नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और खबरों को शेयर करना और लाइक करना। महावीर इंटरनेशनल ने किया इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का अनुरोध। रीजनल सचिव महेंद्र चोपड़ा ने बताया, महावीर इंटरनेशनल अपेक्स अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर अनिल जैन, महासचिव वीर अशोक गोयल एवं उपाध्यक्ष वीर ओम प्रकाश बंटिया के निर्देशानुसार इको फ्रेंडली दीपावली मनाने, मिट्टी के दीपक का उपयोग करने, प्रदूषण मुक्त वातावरण के निर्माण के साथ आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों में मिष्ठान वस्त्र सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उसी श्रृंखला में बालोतरा केंद्र संरक्षक पारसमल भंडारी चेयरमैन धर्मेश चोपड़ा के नेतृत्व में इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का बैनर का विमोचन किया। जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कुम सिंह, वरिष्ठ सहायक अशोक कुमार बेनीवाल की उपस्थिति में किया। संरक्षक पारसमल भंडारी, जोन सचिव जवेरी लाल मेहता ने बताया, इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण की सभी भागीदारी सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान केंद्र चेयरमैन धर्मेश चोपड़ा द्वारा किया। उपाध्यक्ष अशोक चोपड़ा ने बताया, इस अवसर पर सुरेश गोठी, हीरालाल प्रजापति, नेमी चंद भंसाली आदि लोगों ने भाग लिया। संवाददाता संतोष कुमार। ये हमारा जो कार्यक्रम वायु प्रदूषण जो फटाकों के द्वारा छोड़ा जा रहा है उसको नियंत्रण करने के लिए ये हम हमारा अभियान चला रहे हैं। और जैसे महावीर इंटरनेशनल पर्यावरण के विषय में बहुत सारे कार्य किए हैं। आप जहाँ खड़े हो युवराज यात्रा स्कूल के अंदर अभी जिला कलेक्टर भी है, ये जितने भी वृक्ष लगे हैं सब महावीर इंटरनेशनल द्वारा लगाए गए थे। और उस समय रमेश्वर चौधरी और राजेश जी नामा थे और उन्होंने इतना ध्यान रखकर एक वृक्ष भी ऐसा फालतू नहीं किया, कंपनी का खरीद किया। अभी जिला कलेक्टर द्वारा भी ये वृक्षारोपण महावीर इंटरनेशनल के द्वारा किया गया था। तो पर्यावरण के विषय के अंदर महावीर इंटरनेशनल हमेशा ये कार्य करते रहते हैं। तो आज इस विषय पर ये ज़्यादा पटाखे वगैरह बम वगैरह जो छोड़े जाते हैं कभी हादसा भी हो जाता है। और पहले भी बालोतरा में एक ऐसी घटना हुई थी जो एक अनहोनी हो गई। इस कारण से हमारा ये प्रसार महावीर इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है और आप इसमें सभी जो भाग ले रहे हो, मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।